हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और आपका एनपीओ का चैप्टर काफी अच्छे से चल रहा होगा। तो ये हमारा है वीडियो लेक्चर नंबर 3। अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ऊपर आई बटन में जाइए, वहां पे आपको पहली दो वीडियो 2 वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट से जो कि हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उन लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने क्या रिवीजन कर लिया है। हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखा था कि डेबिट साइड पर क्या आइटम आती है, क्रेडिट साइड पर क्या आइटम आती है, और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने कैसे बनाना है, हमने ये सीखा था लास्ट वीडियो में। ओके, तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो भी मैं वीडियो लेक्चर हमारे होते जा रहे हैं आप साथ साथ उनको रिवाइज करते जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, बिना रिवीजन के आपकी तैयारी अधूरी है। हम कह सकते हैं 50% ही आप पढ़ पा रहे हैं अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो आपको टाइमली रिवीजन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप नेक्स्ट वीडियो देखें उससे पहले आप पुरानी वीडियोस देखकर अच्छे से उसको सेल्फ स्टडी करिए, और उसमें आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक क्वेश्चन, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आ सकता है, आइए मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सर किस बुक से आप पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। तो जिन लोगों के पास ये बुक है बहुत अच्छी बात है, आप बुक में ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। या फिर जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है तो क्या वो क्या करें, उनको कुछ नहीं करना है, जो उनके पास बुक है आप उसी को रेफर करिए, आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। ओके, चलिए, कॉन्सेप्ट आप अगर कैच कर लेते हैं तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, ये जो मैंने बुक, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है ये 2018 एडिशन का है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया। आप इसका क्वेश्चन नंबर देख लेना, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा वो निकालना है, और जो हमारा करंट ईयर है वो है 18-19। सबसे पहले कहता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, नोट कर लीजिए इसको या बुक पर ही पेंसिल से लिख लीजिए इसको, एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31st March 2018, 500 की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31st March 2018 को। यहां मैं डायग्राम से आपको बात क्लियर करके चल रहा हूं, एक सेकेंड, ये हमने टाइमलाइन ड्रॉ कर ली है, ये है हमारा ईयर 18-19 जिसके लिए हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं। उसके बाद यहां पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये हमारा ओपनिंग है, इधर ओपनिंग है और यहाँ पर ये क्लोजिंग है इस ईयर का। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो बताया गया है सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31st March 2018 500, ये मुझे बताइए ओपनिंग का बता रहे हैं या क्लोजिंग का, ये ओपनिंग का बता रहे हैं, यहाँ का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2018 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, यानी पिछले साल मिला था करंट ईयर के लिए, तो इसका मतलब ये भी क्या है एडवांस, ये लास्ट ईयर मिला था करंट ईयर के लिए, तो कितना अमाउंट दिया है 1100। ओके, तो ये भी हमने लिख दिया। तो सर क्या हमें हर बार ऐसे बनाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस तरह से आपको पहले सीखना है, उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप सीधा कर सकते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019, यानी करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन टोटल मिला है, तो वो आपको दे रखा है 35400, यानी जो यहाँ पे मिला है टोटल 35400। इसमें यहाँ पर बाइफरकेशन बता रखी है, 400 इसमें जुड़ा हुआ है 31st March 2018 का, इसका मतलब 31st March 2017-18 का कितना इसमें जुड़ा हुआ है 400, और 18-19 का कितना है 19-20 का इसमें बताया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं 19-20 का कितना दिया है 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, यानी 19-20 का दिया है यहां पर 1200,
उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 300 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो यहाँ पर 2021 का दिया हुआ है, 2021 कितना 300। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है मैं उसके अकॉर्डिंग काम करता जा रहा हूँ। ठीक है जी, आगे क्या कहते हैं, हाँ इन्होंने और ये जो करंट ईयर है उन्होंने ये नहीं दिया। देखो यहाँ पर टोटल दे दिया है और टोटल की बाइफरकेशन कर दिया, ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है और ये दोनों मिला के नेक्स्ट ईयर है, ये दोनों मिला के नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो करंट ईयर का यहाँ पे निकाला जा सकता है, कैसे निकालोगे, 400 प्लस 1200 प्लस 300 माइनस 35 400, आप करंट ईयर का यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे वर्ड लिखा है फोर, ध्यान से इस वर्ड को आप देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, किस साल के लिए आउटस्टैंडिंग बता रहा है वो, 2019 यानी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग का बैलेंस बता रहा है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर यानी 18-19 और वो अमाउंट बता रहा है वो 400। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पर हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ पर जल्दी से हम आ जाते हैं, इसका एक फॉर्मेट हम बना लेते हैं और फिर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जल्दी से एक बार हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी बताइए, टू बैलेंस बीडी, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग आप बोल सकते हैं या एरियर बोल सकते हैं। यहां पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ये एडवांस है जो लास्ट ईयर मिला था करंट ईयर के लिए, बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, आप यहां बैंक भी लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिव, और यहां पे लिखेंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नीचे यहां पे लिख देंगे आप टू बैलेंस सीडी, ये एडवांस का क्लोजिंग है, और यहां पर आप लिखेंगे लास्ट ईयर, हम बात कर रहे हैं करंट ईयर हमारा है 18-19, तो लास्ट ईयर हमारा हुआ 17-18, करंट ईयर है 18-19, नेक्स्ट ईयर है 19-20, हमें दो नेक्स्ट ईयर यानी हमारे यहाँ पे नेक्स्ट ईयर दो साल के लिए एडवांस मिला हुआ है 2021। कुछ मेंबर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने करंट ईयर का भी दिया, नेक्स्ट ईयर का भी दिया और उससे नेक्स्ट ईयर का भी दे दिया, तो ये इसमें नया पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस सी डी 17-18 और 18-19, ओके तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पूरा फॉर्मेट इसका बना लिया है। तो बस अब जल्दी जल्दी से इसमें डिटेल्स हमें डालनी है फटाफट से, जो भी ऊपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। आउटस्टैंडिंग यहाँ पर क्योंकि ये हमें मिलने वाला है, ये हमारे लिए एसेट है, एडवांस जो हमें पिछले साल मिला था इस साल के लिए यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है करंट ईयर का कितना रिसीव हुआ, 35 400 टोटल, तो उसमें बाइफरकेशन हम देख लेते हैं, 400 कहाँ पे रखना है, 400 लास्ट ईयर का मिला, करंट ईयर का नहीं बताया क्वेश्चन में, और ये है 1200 और नेक्स्ट ईयर का दे रखा है यहाँ पर 300। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ अभी, और यहाँ पर कितना दिया है टोटल 35 400। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्लोजिंग में इन्होंने क्या दे रखा है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 400, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 400। ओके चलिए, तो ये जो हमने इंफॉर्मेशन अभी तक लिखी है वो
इंफॉर्मेशन वो वाली है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब देखिए जल्दी से हमें कैसे निकालना है। मैंने आपको समझाया था लास्ट ईयर के होते हैं दो लिंक, करंट ईयर के होते हैं तीन लिंक, और जो आपका एडवांस होता है उसके होता है सिर्फ एक लिंक। तो सबसे सिंपल वही पड़ता है। तो आप एक काम करिए, अब जो मैं कंप्यूट करूंगा मैं उसको डिफरेंट कलर उसके लिए यूज कर लेता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आए। तो जो करंट नेक्स्ट ईयर होता है वो सबसे ईजी पड़ता है, तो हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे दो नेक्स्ट ईयर है, यहाँ पे ये दोनों नेक्स्ट ईयर है, तो ये कितना आ जाएगा 1500। नेक्स्ट ईयर का सिर्फ एक लिंक होता है तो आपने उठा के नेक्स्ट ईयर को यहाँ रख देना बस। उसके बाद लास्ट ईयर के दो लिंक होते हैं यहाँ पर, 500 हमारे पास थे और 500 में से 400 रिसीव हो चुके हैं करंट ईयर में। 500 हमें लेने थे पिछले साल के, उसमें से 400 हमें मिल चुके हैं, और हमारे पास कितने अभी भी आउटस्टैंडिंग बचे हैं तो हमने उसको नीचे यहाँ पे रख दिया। तो 500 थे लेने, उसमें से 400 अब मिल चुके हैं करंट ईयर में, तो अभी भी कितने बकाया रह गए हैं, कितने बकाया रह गए हैं 100। तो इसका जो आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी 500। ओके, अभी भी हमारा काम यहाँ से चल जाएगा। कैसे? 1100 प्लस 35400 प्लस 500, ये टोटल कर दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए 500 और 1500, यानी 2000 यहाँ से माइनस कर दीजिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, इसका टोटल आ जाता है 37000। यहाँ पे जो टोटल आ जाता है इसका वो आ जाता है 37। ठीक है, तो 37 ये टोटल सेम ही होगा, और इसको हम निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया 35000। ठीक है, तो एक बार इसका बुक में आंसर आप चेक कर सकते हैं, हालांकि ऊपर इमेज जो है उसमें भी इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप आंसर चेक कर सकते हैं 35000। ओके, तो चलिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। हाँ, आप ये बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, हालांकि इसका कोई यूज नहीं होगा, आप 35400 में से तीनों अमाउंट आप निकाल दोगे तो ये भी आपका निकल आएगा, हालांकि इसका हमें कोई यूज नहीं है, जो हमें पूछा था हमने वो कंप्यूट कर लिया। ठीक है, हाँ जब आप क्वेश्चन करोगे तब इसको जो निकाल के आना, राइट। चलिए तो आपको, हाँ अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब शोड दैट 685000 वर रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो है 18-19 की, इसका मतलब ये हमारा है करंट ईयर। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पर जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018, आपके पास दे रखी है 685000। तो चलिए मैं यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, आप जल्दी से मुझे बताते जाएंगे। ये है 2018 31 मार्च, और यहां पर है 31 मार्च 2019। सबसे पहले मुझे बताइए ऊपर इंफॉर्मेशन जो गिवन है यहां पर 685000, ये हमें क्या दे रखा है, जो टोटल हमें सब्सक्रिप्शन मिली है रिसीव हुई है 685000। उसके बाद यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 65000, यहाँ पर 31 मार्च यानी ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है 65000। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च, ठीक है, यहीं पर एडवांस भी बताया हुआ है आपको कितना 41000 का, तो 41000 का एडवांस भी ओपनिंग पे बताया हुआ है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 पे यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग बताया हुआ है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है 54000 का। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019, इसका मतलब यहाँ पर एडवांस भी आपको बताया गया है 25000। उसके बाद कहता है शो हाउ द अबव इंफॉर्मेशन वुड अपियर इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ऑफ फ्रेंड्स क्लब, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन फाइनल अकाउंट में कैसे अपियर होगी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए
ये जो करंट ईयर है वो है हमारा 18-19। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस किया है क्योंकि यहाँ पर बाइफरकेशन नहीं है, तो इस तरह से हमें इस तरह की क्वेश्चन हमें किस तरीके से करने हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। चलिए ये फॉर्मेट हमारा बन गया है, तो फटाफट से हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। तो 65,000 आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग में, ये आएगा इधर। आउटस्टैंडिंग मतलब एसेट आपको मिलना है। एडवांस ये आपके पास यहाँ पर आएगा 41,000। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट में कोई बाइफरकेशन नहीं बताइए, लास्ट ईयर का कितना, करंट ईयर का कितना, नेक्स्ट ईयर का कितना, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर बाइफरकेशन नहीं बता रहा है तो आपके लिए और ज़्यादा सिंपल है, सीधा लिख दो। उसके बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आपको बता रहा है एंड पर 54,000, तो डायरेक्ट लिख दो। उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड, 25,000 एडवांस बताया है वो यहाँ पे आपने सीधा लिख देना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो ये जो क्वेश्चन होते हैं काफी ज्यादा सिंपल रहते हैं, क्योंकि आपको इसमें कोई लिंक नहीं देखना है, क्योंकि बाइफरकेशन ही नहीं है। तो आपको लिंक कब लगाने हैं, जब बाइफरकेशन दे रखी हो उस वक्त आपको लिंक से काम चलेगा, ठीक है। वो डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हर कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन सोल्व कर लेता है। आपने क्या करना है, आउटर कॉलम की अगर फिगर है तो आप जल्दी से इसका टोटल लगाइए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मैं जरा आंसर से देख लेता हूँ सोल्यूशन, क्योंकि इसके कैलकुलेशन वगैरह आप खुद भी कर सकते हैं। तो 6 लाख, एक मिनट, कितना आता है इसमें, 6,90,000। तो 6,90,000 इसका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, तो बिल्कुल सिंपल है, ये सब टोटल आपको लगाना है, तीनों का टोटल लगाना है और माइनस कर देना 65 और 25, तो 6,98,000 आ जाएगा। ओके तो चलिए, अब हम यहाँ पर, इन्होंने ये पूछा, इन्होंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए नहीं पूछा, इन्होंने कहा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है फाइनल अकाउंट में कैसे अपीयर होगी, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि फाइनल अकाउंट में कैसे अपीयर होगी। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ फाइनल अकाउंट में कैसे अपीयर होगी, वो आपको कैसे बताना है। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे सारी चीज़ें लिख देंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको एग्जाम में एब्रीवेशन यूज़ नहीं करनी होती, आपको पूरा लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर उसके नीचे मैं बना देता हूँ बैलेंस शीट। एक हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहाँ पे बैलेंस शीट दो बनेगी, एक ओपनिंग क्लोजिंग, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। हालांकि इनके साथ ना डेट होती है, आपको ओपनिंग क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं है, डेट मेंशन करनी होती है। यहाँ पे ओपनिंग डेट आ जाएगी, यहाँ पे क्लोजिंग।
अभी तो जस्ट मैं आपको ब्रीफ में समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अब यहां पर सुनिए जरा, हाँ जी, तो अब हमें कैसे करना है यहां पर देखिए। सबसे पहले जो हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया है उसी की जो आइटम है यहां पर हमें ट्रांसफर करनी है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे, मैं हाइलाइटर से यूज कर लेता हूं, ये जो है ऊपर वाली, ये मैं बात कर रहा हूं, ये वाली आइटम, ये है बैलेंसिंग फिगर, सॉरी ये है बैलेंस, ये जो ऊपर के आइटम है जिनको मैंने येलो कर दिया है, ये है बैलेंसेस। और आप जल्दी से मुझे बताइए कौन से बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है? सर ओपनिंग बैलेंस है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब मैं दूसरा हाइलाइटर यूज करने वाला हूं, दूसरा हाइलाइटर जो मैं यूज करने वाला हूं ये, मैं ये वाला, मुझे ये बताइए ये बैलेंसेस, ये भी क्या बैलेंस है? बिल्कुल ये भी बैलेंस है। और ये बैलेंस कौन से हैं, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? सर ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद मैं एक और मार्क यूज करूंगा हाइलाइटर, और अब हम यूज करेंगे पर्पल कलर। मुझे ये बताइए क्या ये बैलेंसेस हैं या जर्नल एंट्री से पोस्टिंग आई है? सर जर्नल एंट्री से पोस्टिंग आई है। ओके, तो चलिए आपका, आपने जो आंसर दिया, आपने कहा ओ ये जो येलो में है ये क्या है, आपके ओपनिंग बैलेंस है। तो आपको नहीं लगता ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए? सर बिल्कुल। और यहाँ पे जो स्काई ब्लू कलर में है ये आपने क्या बताया, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमने पर्पल कलर का ये जो हाईलाइट किया है ये है जर्नल एंट्री, ये क्रॉस ट्रांसफर होती है अकाउंट टू अकाउंट। ओके चलिए, तो इसी तरह से हम सबसे पहले वन बाय वन हर एक आइटम को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर हमें यही काम करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, और ओपनिंग बैलेंस को हमें कहां ट्रांसफर करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में। सबसे पहले मुझे बताइए जो 65,000 है ये एसेट है या लायबिलिटी है? सर एसेट है, क्योंकि पैसा मिलने वाला है 65,000, तो हम कहां लिखेंगे इसको, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाइए। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप कलर से इसको पहचान लें। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ट्रांसफर करना। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए यहां पर सब्सक्रिप्शन 65,000 हमारे पास एसेट में आएगा, हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 65,000। उसके बाद एडवांस का बैलेंस कितना है, 41,000, तो 41,000 आप कहां लिखेंगे, लायबिलिटी साइड पर 41,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, या आप एडवांस सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं। चलिए, तो येलो वाला तो हमने यूज कर लिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्पल कलर, ये है हमारी जर्नल एंट्री, तो एक क्रॉस ट्रांसफर होंगी। इधर लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा 6,90,000 यहाँ पर। और किस अकाउंट से ट्रांसफर हमने किया है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट से, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 6,90,000। समझ आ रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल। उसके बाद बात आती है रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड पर, यहाँ पर क्रेडिट साइड पर है, तो रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट साइड पर चला जाएगा कितना, 6,85,000। तो जल्दी से हम यहाँ लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट 6,85,000। ओके चलिए, तो हमने ये भी कर दिया। अब हमारे पास आता है स्काई ब्लू कलर वाली आइटम, तो ये क्लोजिंग है, तो सबसे पहले ये बताइए एडवांस ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा 25,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन 25,000। उसके बाद जो यहाँ पर है क्लोजिंग 54, ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग 54 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी आप रट नहीं सकते हैं, आपको समझ के ही काम करना पड़ेगा 54,000। ओके,
तो यहाँ पर मैं इसके लिए हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आए, ये वाले कलर हमने जो बैलेंस इस कलर के है वो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिए, राइट। चलिए तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पर हमें बनाना क्या था, यहाँ पे हमें बनाना था ये फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे बस। तो सर क्या इसमें यही आइटम आती है, इसमें बड़ी सारी आइटम आती हैं लेकिन इस क्वेश्चन की यही आइटम इसमें आएंगी, ओके। तो हम इसको कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट, ये है एक्सट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट या फिर नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए, ओके, बाय बाय। We'll be right back.